हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मार्केट के लाइव वीडियो में। आप यहां पे देख सकते हो कि शेयर मार्केट अभी ऑन है। यहां पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 35,500 के आसपास और निफ्टी जो है वो 17,140 के आसपास यहां पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सुबह मैंने एक अपने फ्रेंड को ट्रेड दिया था और यहाँ पे उन्होंने लॉस बुक किया है। लॉस क्यों हुआ है, क्या गलती हुई थी, वो सभी कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको मार्केट में प्रॉफिट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन आपको प्रॉफिट ही होगा, कभी ना कभी लॉस भी होगा। और लॉस क्यों होता है ये चीज़ आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए, देखते रहिए वीडियो को आगे तक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, सुबह ही मैंने उनको एक दिया था, यहाँ पे कॉल दिया था जो कि 295 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे दिया था। देखो आप, यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है 295 में और इसको कैंसिल करके 300 का ऑर्डर यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो कंटिन्यूस ऊपर भाग रहा था और इसलिए मैंने दिया भी था। तो यहाँ पे 300 का यहाँ पे लगाया हुआ है और 300 में उन्होंने परचेस कर लिया। परचेस करने के बाद में यहाँ पे जो सेल उन्होंने किया हुआ है, देखो 242 पे, ठीक है, मतलब 300 में यहाँ पे ख़रीदा गया है और 242 पे सेल किया गया है, यही वाला सेम चीज़, 35,800 का कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग लगभग 60 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हुआ, मतलब 1200 रुपये का लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैंने उनको सेल करने के लिए नहीं बोला था क्योंकि मार्केट गिरा बहुत ज़्यादा था। अब 1200 रुपये अगर गिर जाता है मार्केट, तो आपको उस चीज़ को सीखना, मतलब समझना चाहिए कि मार्केट 1200 कभी भी उठ भी सकता है। तो अगर हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ है तो वो उठ सकता है बिल्कुल। और आप देख सकते हो कितने देर में गिरा है, ठीक है, 9:20 में यहाँ पे ख़रीदा गया है और 9:54 में बेचा गया है, मतलब आधे घंटे का इनसे पेशेंस नहीं हुआ और उन्होंने आधे घंटे में बेच दिया। अब आधा घंटे में अगर मान लो मार्केट आपको लॉस दिखा रहा है 1200 रुपये, तो क्या आप मार्केट में सिर्फ 1200 ही कमाने आए हुए थे, ऐसा तो नहीं है ना। तो 1200 का यहाँ पे लॉस दिखा है। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं पोर्टफोलियो में, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो सेम 35,800 का कॉल जो कि 1450 के लॉस में बेचा हुआ है यहाँ पे, वो सेम अभी चल रहा है कितना पे, 369 पे, ठीक है, मतलब कि 369.70 पे चल रहा है। अभी आप टाइम देख सकते हो, 2 बजने वाला है, 1 बजे ये लगभग 430 के आसपास भी गया हुआ था। जब उनसे मैंने बात किया ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 430 के आसपास जा चुका है। यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो उनका छूट गया, ठीक है। उसके बाद में वापस से एक ट्रेड उन्होंने यहाँ पे लेकर के गलती कर दिया, ये वाला जब लॉस हुआ उसके बाद में ही उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, इतना बड़ा लॉस हो गया, तो उसको कैसे सर्वाइव करना है। तो इसके लिए अभी मैं उनके अकाउंट को देख रहा हूँ कि यहाँ पे गलतियाँ उनसे क्या क्या हुई है। तो देख सकते हो आप, अगर अभी तक भी उसको ये मतलब रोक करके रखते हैं इस वाले ट्रेड को जिसमें उन्होंने 1450 का लॉस किया है, तो 300 का ही परचेस था, अभी तक इसमें प्रॉफिट हो रहा होता अच्छा खासा और इवन 2500 से ऊपर प्रॉफिट हो गया होता। अभी भी देखो आप, धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है जो अमाउंट है, ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा होता। तो कुछ सोच समझ करके ही मैंने यहाँ पे दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको मतलब टोटली लॉस वो बुक कर लिया और अभी लॉस धीरे धीरे देख सकते हो आप इतना बड़ा लॉस हो चुका है 3,363 रुपये का, जो कि अभी इस टाइम पे, क्योंकि आप देख सकते हो टाइम जो है लगभग 2 बजने को है ऊपर में, ठीक है, तो इस टाइम में इसको रिकवर करना मुश्किल है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे कि अगर कुछ अच्छा मूव मार्केट में मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश करूँगा रिकवर करने का। लेकिन ये सेम चीज़ अगर वो मुझे अभी दे दिया होता ना मेरा फ्रेंड, तो यहाँ पे ये लॉस नहीं होता था, क्योंकि मैं 1200 के लॉस में मार्केट से निकलता नहीं हूँ। कई बार हमारा प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, कई बार आपको अपने कैपेसिटी के हिसाब से लॉस बुक कर लेना चाहिए। अभी यहाँ पे इन्होंने बुक कर लिया, वो एक बार के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन मार्केट 100% श्योर था मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन वहां से घूम के वापस आएगा और इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट जरूर मिलेगी। तो आप अभी भी देख सकते हो यहां पे प्रॉफिट हमको मिल रही है, 300 का परचेजिंग था और 387 के आसपास चल रहा है। मैं आपको जब दिखा रहा था तो 370 के आसपास था और धीरे धीरे ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे प्रॉफिट हो रही है। तो आपको ये चीज समझ करके रखना है कि लॉस अगर आप लेना चाहते हो तो कितना लॉस लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपने हिसाब से लॉस यहां पे ले सकते हो जितना आप सह सकते हो, लेकिन आप मार्केट अगर एनालिसिस करके घुस रहे हो ना मार्केट में, तो ये आपका यहाँ पे लॉस जो है वो कैलकुलेटिव हो जाता है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने का चांस रहता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो 300 के हिसाब से यहाँ पे अभी भी इसको बेचा जाए तो भी इसमें प्रॉफिट है लगभग लगभग 1600 से 2000 रुपये के आसपास का, 2000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी बंदे ने यहाँ पे 1400 का लॉस लिया हुआ है। तो मार्केट देखो कितने नीचे से कितना ऊपर घूम करके आया है। तो हमेशा मार्केट में कैलकुलेट करके घुसा करो, समझा करो मार्केट को। और अगर मार्केट को आप सीखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम में मैं आपको कॉल और पुट भी देता हूं, तो आप वहां पे जाकर के टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।